नमस्कार, मैं हिमांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। तेजस्वी यादव बिहार में जन विश्वास यात्रा पर है। उनकी यात्रा जो है इस वक्त जो है वो औरंगाबाद जो है वो पहुंच चुकी है। पूरा बिहार जो है वो तेजस्वी यादव घूम रहे हैं और नाप देंगे। करीब 20 तारीख को यात्रा शुरू हुई थी और 1 मार्च को यात्रा जमुई में ख़त्म जो है वो होगा। सवाल यह है कि तेजस्वी यादव को इस यात्रा के जरिए मिलेगा क्या, कितना फ़ायदा जो है वो आगामी लोकसभा चुनाव में तेजस्वी यादव को होने जा रहा है इस यात्रा के जरिए, क्योंकि जहां भी जा रहे हैं तेजस्वी यादव के साथ भीड़ तो दिख रही है और खासकर युवाओं की भीड़ दिख रही है। जय तेजस्वी, भैया तेजस्वी के नारे जो हैं वो तेजस्वी यादव के सामने खूब लग रहे हैं, गुंजायमान हैं ये नारे। लेकिन सवाल यह है कि इसका कितना फ़ायदा जो है वो होने जा रहा है, क्योंकि बिहार में इस वक्त NDA जो है वो काफ़ी मजबूत हो चला है जब से नीतीश कुमार NDA में रिटर्न हुए हैं। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए रवि उपाध्याय हैं। बिहार में 3 दशकों से लगातार राजनीति को देख रहे हैं, लालू के उस दौर को भी देखा जिसका जिक्र जो है अब नीतीश कुमार खूब करते हैं तंज कसते हुए विधानसभा में। रवि उपाध्याय जी, मेरा सवाल ये होगा, फ़ायदा होगा कि बस एक एक्सरसाइज है, पॉलिटिकल एक्सरसाइज की तरह ये रह जाएगा? नहीं नहीं, देखिए तेजस्वी यादव जो यात्रा पर निकले हैं, जन विश्वास यात्रा, जन माने लोगों के बीच में विश्वास पैदा करना और विश्वास की यात्रा, और ये बात वो मैसेज एकदम डिलीवर कर रहे हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड कि जो रोजगार की बात तेजस्वी यादव करते थे उसने 17 महीने में कार्यकाल में 17 साल में जो नहीं नीतीश कुमार कर सके, NDA की गवर्नमेंट नहीं कर सकी, 17 महीने में महागठबंधन की सरकार एज ए डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहते हुए उन्होंने उसको इम्प्लीमेंट किया। और बिहार के लोगों ने देखा भी जिस तरह से पहली बार गांधी मैदान में जिस तरह से नौकरी बांटा गया मुख्यमंत्री की मौजूदगी में, यही मुख्यमंत्री कभी उन पर कटाक्ष किया करते थे कि कहां से पैसा देगा कैसे देगा यह सब बात है, लेकिन वह उन्होंने करके दिखाया। और वह एक और मैसेज दे रहे हैं कि स्वास्थ्य महकमे में किस तरह से वह बड़ी नियुक्ति करने जा रहे थे 1.25 लाख 1.5 लाख के आसपास, और वह जो मैसेज गया वो SMS के माध्यम से अधिकारी को मुख्यमंत्री से करने के लिए, लेकिन बात नहीं हो सकी। अंतोगत्वा स्वास्थ्य महकमे में वह नियुक्तियां नहीं हो सकी, तो यह एक मैसेज दे रहे हैं कि वह उनका विजन एकदम क्लियर था, बिहार में जो बेरोजगारी का आलम है उसको समाप्त करना और अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार का अवसर देना और रोजगार देना, यह एकदम क्लियर कट है। तो यह और इसी बात को लेकर के जो आप शुरू में कहे आप कि बड़ी संख्या में युवा उनसे जुड़ रहे हैं, तो युवा उनसे कनेक्ट हो रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है कि युवाओं को उनमें दिखाई पड़ता है कि यह रोजगार की बात कर रहे थे, हमारी तकलीफ हमारी पीड़ा तेजस्वी प्रसाद यादव को है, यह बहुत बड़ी बात है और यही सी चीज को वह जनता के बीच में डिलीवर कर रहे हैं, इसी बात को वह कह रहे हैं। ठीक है, लेकिन जानते हैं एक चीज और है, जो जिस युवा की मैं बात कर रहा हूँ जो तेजस्वी यादव के साथ भीड़ में दिख रहे हैं, वैसे ही युवा जो है वो चिराग पासवान के साथ भी भीड़ में दिखते हैं, 15 से 20-22 साल के युवा। लेकिन सवाल यह है कि जिस तरीके से टीचर वाली वैकेंसी जो है फिर मार्च में आने वाली, एग्जाम देंगे बच्चे, 10 से 17 तारीख तक एग्जाम है और 22 से 24 मार्च तक रिजल्ट आ जाएगा, तो कहीं ना कहीं इतना जल्दी रिजल्ट आ रहा है, महागठबंधन की सरकार भले ही ना, लेकिन ये मैसेज हर मंच पर ये डिलीवर कर रहे हैं कि 17 महीने में मैंने 5 लाख नौकरियां दी हैं, और ये भी जिक्र कर रहे हैं कि दिसंबर तक देखिएगा कितनी वैकेंसी आएंगी और वो सब काम मेरा ही किया हुआ, ये क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा मुझे जो पंचलाइन लग रहा है सर कि एक बाप वाली बात जो है हर मंच पर दोहरा रहे है और ये मैसेज दे रहे हैं कि RJD जो है वो किसी विशेष जाति की पार्टी है नहीं, तो ये सब मैसेज और खासकर नौकरी जो बिहार की पॉलिटिक्स को मुझे लग रहा है यहाँ पे कि वो नौकरी की तरफ ले जाना चाहते हैं, नौकरी वाली पॉलिटिक्स होगा बिहार में। देखिए एक बात स्पष्ट समझ लीजिए, अब से पहले माने तेजस्वी सरकार के 17 महीने के कार्यकाल के पहले कोई नौकरी पर पहले बात नहीं होता था, यह तो तेजस्वी प्रसाद यादव ने ही सेट किया है, यह पिच तेजस्वी प्रसाद यादव का तैयार किया हुआ है नौकरी, इससे पहले और जो पिच तेजस्वी ने तैयार किया है उसी पिच पर अब कोई भी आकर के बैटिंग बॉलिंग करेगा, यह बात तो एकदम तय है। क्योंकि हमने अभी देखिए इसका लब्बो लवा भेजा कि 5 लाख की बात कर रहे हैं, वह दें नहीं दें क्या है अंदर खाने की बात कोई नहीं जानता, लेकिन पीस तो उन्होंने तैयार किया है, इस बात को बिहार की जनता जो भीड़ जुट रही है, जो भीड़ वहां लग रही है वो आ रही है, इसी बात को पर मुहर भी लगाती है। नहीं तो अब ये बात कहे कि वही भीड़ जो है सो तेजस्वी की सभा में, वही भीड़
चिराग की सभा में, यही आपका कहना है युवा सब ये लोग भीड़ विजुअल गिरता है तो देखता है ऐसा ही युवाओं जिंदाबाद के नारे उधर भी लगते हैं इधर भी लगते हैं, क्या वही देखिए वही है कि अब यह वोट में तब्दील होगा कि नहीं। लालू प्रसाद यादव की रैली में भी बहुत भीड़ लगा करती थी पहले से लेकर के अब तक, लेकिन वह वोट में तो तब्दील नहीं हुई। तो नीतीश कुमार ही अब तक जो 17 साल से 18 साल से वही मुख्यमंत्री हैं, तो वो लालू प्रसाद का, लेकिन स्ट्राइक रेट तो आरजेडी का ठीक रहा 2020 में आप देखिएगा तो लालू प्रसाद यादव की गैर मौजूदगी में ही तेजस्वी ने कमान संभाला और जो है सो स्ट्राइक रेट उनका ठीक रहा, तभी जो है सो एक गणित जो है सो आपको बिहार विधानसभा में एक बड़ी पार्टी के रूप में आरजेडी दिखाई पड़ती है। तो यह बात तो एकदम उसमें तो पूरी क्लियरिटी के साथ है, इसको कोई कहां काट सकता है। अब वोट चढ़ेगा नहीं चढ़ेगा, अब जो इनका जो नया है कि अब देखिए ये आरजेडी में अब तेजस्वी का एरा है, ये इसको मानना पड़ेगा तेजस्वी का, अब लालू प्रसाद यादव का ये आरजेडी नहीं रहा, यह तेजस्वी प्रसाद यादव का आरजेडी है। अब इसमें तेजस्वी प्रसाद यादव जिस तरह से चाह रहे हैं उसी तरह से MY कहिए, A to Z कहिए, बाप कहिए, अब जो कहना है सो कह लीजिए, अब इसी दिशा में इसी ओर आरजेडी अब उस ओर बढ़ता हुआ आपको दिखाई पड़ रहा है और इसका आपको कई सारे उदाहरण भी दिखाई पड़ेंगे। अब जैसे बाप जो कह रहे हैं, बाप कहने का मतलब क्या है, बहुजन, बहुजन की बात कर रहे हैं, तो यह समावेशी विकास की जैसे बात होती है उसी तरह से तेजस्वी प्रसाद यादव भी समावेशी बात कर रहे हैं, सभी जाति सभी समाज सभी वर्ग को साथ लेकर के चलने की बात कर रहे हैं, इसीलिए वह बाप की पार्टी कह रहे हैं कि उसमें पुअर भी है गरीब भी है आधी आबादी भी है, माने तमाम लोग की बात कर रहे हैं वो, तो इसीलिए समावेशी की बात हम इसलिए कह रहे हैं कि वह जो कहना चाह रहे हैं वह यही तेजस्वी प्रसाद यादव अपने लोगों में अपने वोटर्स में बिहार के लोगों में कि अब वो MY मुसलमान यादव मुस्लिम यादव की पार्टी नहीं रही, लेकिन अब जनता उनके इस बात पर इस कितना भरोसा करेगी यह देखने वाली बात है। ठीक है, जनता तेजस्वी यादव की बात पर कितना भरोसा करेगी ये तो चुनाव जब होंगे नतीजे आएंगे तब पता चलेगा, लेकिन एक सब चीज़ है जो मैं कहना चाहता हूँ यहाँ पर, अगर मैं गलत हूँगा तो आप काट दीजिएगा। तेजस्वी यादव इन दिनों बिहार में नए तरह के पॉलिटिक्स कर रहे हैं, इससे कोई आपने कहा कि पिच उन्होंने तैयार किया है, जाहिर तौर पे पिच अगर उन्होंने तैयार किया तो इसका फल क्या होगा, वही स्पीच के मालिक रहेंगे या नहीं, क्योंकि नौकरी वाली यहाँ तो जात वाली पॉलिटिक्स चलती है, नौकरी वाली पॉलिटिक्स से काम बनेगा क्या, क्योंकि सम्राट चौधरी 2-3 दिन पहले होटल मौर्या में एक कॉन्क्लेव था, द मोदी कॉन्क्लेव, वहाँ पर सम्राट चौधरी ने बहुत ही शानदार बात कही कि 10 लाख तो क्या 20 लाख भी सरकारी नौकरी अगर हम दे दें बिहार में उससे बिहार का भला नहीं होगा, बिहार का भला तब होगा जब हर गांव में छोटे छोटे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज लगेंगे और हम इस दिशा में काम कर रहे हैं। मतलब देखिए एक तेजस्वी यादव नौकरी को लेकर ये कह रहे हैं और ये सीधे कह रहे हैं कि 20 लाख नौकरी देने से भी कुछ नहीं होगा तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री चाहिए, तो आप इन दोनों के बयानों को किस रूप में देख रहे हैं, कौन चलेगा? नहीं नहीं देखिए वो पक्ष और विपक्ष वो ये तो राजनीति अलग अलग दिशा में है, यह जो नौकरी की बात है आज हम और आप या तमाम हमारे घर के बच्चे आपके घर के बच्चे या अन्य बच्चे वो क्या चाहते हैं, नौकरी चाहते हैं, वह नौकरी से वो सुरक्षित वो उनका भविष्य सुरक्षित होता है। वो सम्राट चौधरी जो बात कर रहे हैं वो उप मुख्यमंत्री हैं बिहार सरकार में हैं वो ठीक है, कुटीर उद्योग की बात कर रहे हैं, कुटीर उद्योग लगाना वो गलत नहीं है, कुटीर उद्योग लगना चाहिए लगाना भी चाहिए, लेकिन जो पढ़े लिखे युवा हैं वह क्या करेंगे, वह तो नौकरी पर ही जाएंगे ना, वह उनका भविष्य उसी दिशा में चल रहा है, तो वो नौकरी देखिए नौकरी से इसको दोनों को आप जोड़ करके नहीं देख सकते, दोनों अलग अलग चीज है, दोनों अलग अलग बात है। वो 40 लाख अगर यदि नौकरी मिल जाए तो यह जो कोरोना कालखंड में हम लोग जो देख रहे थे कि बिहार के लोग लाखों की संख्या में पैदल दिल्ली हैदराबाद मुंबई से चले आ रहे हैं बिहार, यह कम से कम तो वह समस्या नहीं रहेगी ना, यह नौकरी मिलेगा अपने घर में ही नौकरी मिलेगी तो सब लोग घर में ही रहेंगे सुरक्षित रहेंगे और आय भी अच्छा रहेगा। मान लीजिए दूसरे प्रदेशों से कमा के भेज रहे हैं और घर में कमाना, दोनों में अंतर है ना, तो यह तो निश्चित रूप से यह देखिए यह तो अपने अपनी सोच है अपनी अपनी बात है, लेकिन हम ये कह रहे हैं ये तेजस्वी प्रसाद यादव की बात पर कितनी जनता एतबार करती है क्या होता है यह जनता जनार्दन को ही तय करना है। अब तेजस्वी प्रसाद यादव एक बात आपने मैं चर्चा से पहले कही थी कि यह तेजस्वी प्रसाद यादव 2024 की तैयारी कर रहे हैं या 2025 की, तो यह निश्चित रूप से तेजस्वी प्रसाद यादव 2024 के साथ 2025 की भी तैयारी में लगे हुए हैं, इसके माध्यम से वह देखेंगे कि 2024 में क्या परिणाम निकल के आता है, मोदी मैजिक जो है उसके लिए कितना काट वो तैयार कर पा रहे हैं,
क्या कर पा रहे हैं, कितना उनका स्ट्राइक रेट क्या रहा, कितना वोट का परसेंटेज रहा, उसी हिसाब से वो तैयारी 2025 के लिए भी करेंगे। तो यह दोनों तैयारी एक साथ तेजस्वी प्रसाद यादव कर रहे हैं। और देखिए, यह युवा हैं और उनके पास भी विजन है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। और वो चार हैं, सब कुछ साध के चलना, सब कुछ साध करके माने सभी को लेकर के चलना। वही हम कह रहे हैं कि कितना लोग ट्रस्ट करेंगे उस पर, तो यह ट्रस्ट को भी बनाना पड़ेगा कि ट्रस्ट कि लोग उनकी बातों पर यकीन करें, भरोसा करें, इतना होना चाहिए। नेता के बात पर लोग जब भरोसा करेंगे तो निश्चित रूप से वोट उनके पाले जाएगा। यह कोई भी पार्टी किसी भी दल के नेता की हम बात कर रहे हैं। तो कुल मिला कहें कि तेजस्वी यादव फिलहाल जो है यात्रा के जरिए 2024 के साथ साथ 2025 की तैयारी कर रहे हैं। और एक बार शुरुआती दौर में यात्रा में शायद सीतामढ़ी या शिवहर में उन्होंने कहा भी था कि उन्हें शक है कि हो सकता है कि नीतीश कुमार विधानसभा भंग कर दे, इसलिए हो सकता है आनन फानन में पूरा यात्रा निकाली जा रही है। और यात्रा जब खत्म हो जाएगी तो 3 तारीख को पटना के गांधी मैदान में एक बड़ी रैली, एक शक्ति प्रदर्शन उसे कहीं ना कहीं कहा जा रहा है। कितना कामयाब हो पाते हैं, ये तो चुनाव होंगे, नतीजे जब आएंगे सामने तब पता चलेगा। लेकिन इतना है, नया करने की कोशिश, नई लाइन खींचने की कोशिश बिहार में वो कर रहे हैं। पारंपरिक राजनीति से इतर वो नई तरह के पॉलिटिक्स, नौकरी पे बात हो, रोजगार पे बात हो, बस इसी पे बात हो, इधर उधर दाएं बाएं कहीं नहीं जा रहे हैं। सही है, एकदम ठीक बोले। देखिए, वो हम उनको वो इंडिया अलायंस में है, महागठबंधन में है, और बिहार में उन्हीं की पार्टी बड़ी पार्टी है। ऐसे में आगे अगर यदि बढ़ना होगा किसी से, अगर यदि नरेंद्र मोदी से, मोदी के मैजिक जादू से अगर लड़ना है, तो वह तेजस्वी को ही आगे आना पड़ेगा और उन्हीं को प्लेटफार्म, उन्हीं को पिच तैयार करना पड़ेगा, इतना तो तय है। और आपको याद भी होगा सर कि जब महागठबंधन नौकरियां बांट रही थी बिहार में लोगों को बुला बुला कर, तो ठीक दिल्ली में भी यही चीज हो रही थी। बिल्कुल, एनडीए की सरकार के द्वारा भी कहीं ना कहीं फॉलोअप किया गया, मतलब कि केंद्र सरकार द्वारा बिहार सरकार के तौर तरीकों को। देखिए, हम शुरू में ही एक बात कहे कि तेजस्वी इसको माने कोई नहीं माने, हमारे बात से कोई इत्तेफाक रखे नहीं रखे वो अलग विषय, लेकिन नौकरी की चर्चा यह 17 महीने के कार्यकाल में ही होना शुरू हुआ, इससे कोई इसको काट नहीं सकता, जहां तक हम देख और समझ पा रहे हैं कि यह 17 महीने में ही नौकरी की चर्चा। इससे पहले नौकरी की चर्चा होती थी क्या? कोई हम न्यूज फॉर नेशन के जो हमारे व्यूवर्स हैं उनसे हम पूछना चाहेंगे कि वह बताएं कि इससे पहले नौकरी की चर्चा होती थी कि नहीं, नौकरी की चर्चा तो हम लोग नहीं देखते थे, दूसरी चीजों अन्य चीजों में चर्चा होती थी, ये होती। अब ये कितना डिलीवर कर पाए, क्या सच्चाई है, यह तो सरकार ही बता पाएगी या तेजस्वी यादव ही बता पाएंगे। लेकिन हाँ, एक बड़ा काम तो निश्चित रूप से बिहार में दिखाई पड़ा है, कई युवाओं का कल्याण हुआ है, कई युवा लोग आज के डेट में लाइन में लगे हुए हैं, कतार में है कि किस डेट को परीक्षा शुरू हो जाती है। आज देखिए परीक्षा शुरू हो रही है, फिर 4 दिन बाद, तो यह परीक्षा का तांता लगा हुआ, 4 दिन के अंदर रिजल्ट आ जाएगा। हाँ, 10 मार्च को शुरू हो रहा, बिल्कुल 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 खत्म हो रहा, 22 मार्च को रिजल्ट प्रकाशित। तो यह एक समय ना आ जाए बिहार में, नहीं परीक्षा दी सामने रिजल्ट आ जाए, वही करें। यह मोदी मैजिक नहीं है, यह बिहार में अलग तरह का मैजिक चल रहा है। तो यह तेजस्वी ने निश्चित रूप से इसमें काम किया है, इसको कहीं कोई दो मत नहीं है। चलिए, जनता जनार्दन जो है वो नौकरी पॉलिटिक्स को कितना पसंद करती है ये तो लोकसभा चुनाव के नतीजे ही बताएंगे, जो भी हो। लेकिन तेजस्वी यादव जो है वो खूब मेहनत कर रहे हैं, ऑन फील्ड मेहनत कर रहे हैं, और लगातार 20 तारीख से वो पटना छोड़ चुके हैं और लगातार ऑन फील्ड है, बिहार की सड़कों पर है, बिहार के अलग अलग जगहों पर है। और 1 मार्च को उनकी जन विश्वास यात्रा जो है वो खत्म होगी, और इत्तेफाक से खत्म जो है वो जमुई में होना है, और जमुई चिराग पासवान का संसदीय क्षेत्र है। कैसे देखते हैं, आखिरी सवाल रहेगा, ये खत्म कर रहे हैं जमुई में, क्या ये भी कोई टैक्टिक्स है या कि इत्तेफाक से ऐसा हो रहा है? नहीं नहीं, देखिए वो तो प्रोग्राम उनका पूरे बिहार में लगा हुआ है, तो वो कहीं ना कहीं तो उसका समापन होना था। अब जैसे मान लीजिए उनकी यात्रा भी मुजफ्फरपुर, सिवान, प्रतापगढ़ होते, तो वह अलग विषय है, अलग विषय है। लेकिन वो निश्चित रूप से वह चिराग पासवान का वो संसदीय क्षेत्र है, लगातार वो इस बार हैट्रिक लगाने की बात चिराग पासवान की हो रही है, वहां से या हाजीपुर से, वो अलग विषय है। लेकिन वो उसको हम लोग उस चश्मे से नहीं देखें, लेकिन यह निश्चित रूप से जब तेजस्वी घूम रहे हैं तो वहां पर भी अपने उस क्षेत्र में जाएंगे, वह बिहार के अंदर ही है, बिहार से बाहर तो है नहीं, तो वह निश्चित रूप से वहां के भी जनता को, वहां के भी लोगों को मैसेज देंगे और बताना चाहेंगे कि उन 17 महीने के कार्यकाल में उन्होंने क्या क्या किया है, यही बात तो वह मैसेज बताना चाह रहे हैं। कहने वाले लोग तो कहते हैं कि बड़ा 2024 का चुनाव जो है वो पीएम मोदी के लिए बड़ा आसान होगा,
ठीक है 24 आसान होगा, लेकिन 2025 में बड़ा गेम जो है वो तेजस्वी करने को तैयार दिख रहे हैं। गलत बोल रहा हूं मैं? नहीं नहीं ठीक बात। चलिए इस वीडियो को यहीं पर बाइंड अप कर देते हैं। इस वीडियो का मजमून ये रहा कि रवि उपाध्याय सर ने ये बताया कि तेजस्वी यादव जो है वो नौकरी वाली पॉलिटिक्स जो है कर रहे हैं। अब जनता को तय करना है कि उन्हें कौन पसंद है, जो कह रहे हैं उस पर जनता कितना विश्वास करती है। ये तो जब लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आएंगे ना, उसी दिन पूर्ण रूप से पता चल पाएगा। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।